हेलो एवरीवन, मैसेल संदीप राजभर। और आज का ये जो वीडियो है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 12th क्लास के बाद क्या कर सकते रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे। ठीक है, सो पहले पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम 12th क्लास में जैसे भी मार्क्स लाए हो, क्योंकि मार्क्स और परसेंटेज आज और कुछ महीने के बाद फिर आपको खुशी नहीं देने वाला है। ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स आए भाई बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग जिनके कम मार्क्स आए डोंट वरी, जिनके ज़्यादा भी मार्क्स आए ना उनके मार्क्स भी उसकी उसी सर्टिफिकेट के अंदर बैग में पड़े रहेंगे। ओके, आप कुछ आगे कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, लाइफ सिर्फ परसेंटेज और डिग्रीज के बेसिस पर नहीं डिपेंड करती है। आपके मार्क्स कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान खराब है, इंसान आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी लोग खराब होते हैं। सो मार्क्स आपके कैरेक्टर को नहीं डिफाइन कर सकता है, आप अपने कैरेक्टर को अच्छा बना सकते हैं। ओके, चलिए, ये एक छोटा सा ज्ञान वाला बात था जो कि जस्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, लाइक कर देना। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। 12 हो चुका है लेकिन अब इसके बाद क्या करें, सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, बीकॉम करें, एलएलबी करें या फिर बीसीए करें, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं आपको। और सच बताएं तो यही मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे चुनना। अगर आप सही कोर्स चुन लेते हो तो आप जो चाहते हो वो बन जाते हो, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि यार करना क्या है आगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बीकॉम करने के बाद बोलते हैं कि ओके हम सीएस भी कर सकते थे, हम सीएमए कर सकते थे, सीएमए भी कुछ होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कॉमर्स के टॉप लेवल की स्टडी के बारे में बात करने वाले, और कॉमर्स के जो बेसिक लेवल के स्टडी जो नॉर्मल जो सभी लोग करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सब कुछ नहीं डिटेल कर पाऊंगा, मतलब इन सीए सीएस सीएमए के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके अंदर इनके कितने खर्चे होने वाले हैं, इनका क्या अमाउंट, कितना पर्टिकुलर कितना खर्चा होने वाला है, कितना टाइम लगेगा, ट्यूशन फी कितना लगेगा, इंस्टीट्यूट का फीस कितना पड़ेगा, टोटल ओवरऑल कितना खर्चा पड़ेगा, ये अलग वीडियो में बात करेंगे हम लोग इनका। ठीक है, बट आज के ओवरऑल वीडियो के बारे में हम इनके ड्यूरेशन के बारे में भी जान लेंगे, एक्सपेंसेस कितना पड़ेगा, नॉलेज कितना चाहिए होगा, मतलब बहुत बुद्धिमान होने चाहिए, कम चलेंगे, वो सब कुछ आज हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फटाफट सबको साथ शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं आपके कॉमर्स के सबके साथ शेयर कर दो इसको, और अगर आप साइंस वाले हो तो भी कॉमर्स वाले को खोज के दे दो यार। ओके, कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे नंबर को लेकर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, चलो बीकॉम के बारे में बात करते हैं, जो कि हर स्टूडेंट करता है, हर कोई आप सुनोगे कि कॉमर्स है, ग्रेजुएट है, मतलब बीकॉम है। अब बीकॉम भी ऑनर्स होता है, जनरल होता है, मेजॉरिटी लोग और जनरल जो मेजॉरिटी स्टूडेंट होते हैं जो बीकॉम ऑनर्स बीकॉम ग्रेजुएट होते हैं वो इसलिए कर पाते क्योंकि बीकॉम में खर्चा कम होता है। ऑब्वियसली बात है, बीकॉम में बहुत कम खर्च होता है, चाहे आप किसी भी कोर्स से कंपेयर कर लो, बीकॉम में सबसे कम खर्च आने वाले आपके। होता क्या है, यहाँ पे ऑनर्स होता है, जनरल होता है। अब ऑनर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अकाउंट्स में, एक होते हैं मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑनर्स करने वाले हो इसका मतलब अगर आपको अकाउंट्स बहुत पसंद है, आपको अकाउंट्स अच्छे लगते हैं यार, मतलब अकाउंट्स के सारे कुछ अच्छे लगते हैं। ठीक है, डबल एंट्रेंस सिस्टम आपने जो 11th क्लास में पढ़े थे ना वो सिर्फ ट्रेलर थे। ओके, जो भी आपने 12th में पढ़े हैं वो सब कुछ ट्रेलर थे, अकाउंट्स ग्रेजुएशन में जाके बहुत बड़े होने वाले हैं। ओके, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है, अकाउंट्स आएगा, इसके अंदर आपको कॉस्टिंग आएगा, इसके अंदर आपको टैक्सेशन आने वाला है, इकोनॉमिक्स भी आ सकता है आपके सिलेबस के अंदर, डिपेंड करता है। ठीक है, मैथ्स भी आने वाला है, जो साइंस के मैथ्स है वो कुछ कुछ कॉलेज में मैथ्स कंपलसरी होते हैं, तो मैथ्स भी आने वाला है अकाउंट्स ऑनर्स के अंदर, ये सब कुछ आपको अकाउंट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, मतलब अकाउंट्स वाले पोर्शन उतने ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, बट मार्केटिंग के बहुत टाइप के मार्केटिंग होते हैं, मार्केटिंग में बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये अलग वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, उनका सिलेबस क्या है वो अलग चीज़ है, सिलेबस के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा है। बीकॉम करने जाओगे तो आपको लगेगा 3 ईयर का टाइम लगेगा। ठीक है, और 3 ईयर का टाइम लगेगा मतलब 6 सेमेस्टर। ओके, 3 साल का समय लगने वाला है, 6 सेमेस्टर लगने वाला है। अगर इनके खर्च ड्यूरेशन के बारे में बात कर लिए हम लोग, 3 साल का टाइम लग रहा था। ठीक है, एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं, बीकॉम अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो खर्चा 10,000 से कम लगता है, 10 से 15,000 के अंदर हो जाता है, कि बहुत ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे 2-3-4-5 हज़ार के अंदर भी हो जाता है बीकॉम। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज में 2.5 से 3 हज़ार में बीकॉम कंप्लीट हो जाता है। ओके, और कुछ कुछ कॉलेजों में ये और ज़्यादा अमाउंट लगता है, जेवियर जैसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चार्ज पड़ता है, वो भी जो भी है, बट एक नॉर्मल कॉलेज की बात करें तो 15 से 20 हज़ार के अंदर आप आराम से बीकॉम कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज और नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो तो और कम खर्च पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके लिए अगर आप नॉलेज की बात करो कि मेरे बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, देखो बुद्धि का जरूरत नहीं पड़ता है किसी भी जगह पे। ठीक है, आपको उस साल क्या पढ़ाई हो रहा है ना वो चीज़ बस अच्छे से समझने होते हैं और एग्जाम देने होते हैं। अगर आप इस साल अगर पे अटेंशन पे करें अपने बुक्स के अंदर तो आप आराम से मार्क्स ला सकते हो। हो सकता है आपके बीकॉम में 45 या फिर 50% आए होंगे, दैट डजेंट मैटर, 12th ग्रेजुएशन में आपने मेहनत से पढ़ ली, आपके आराम से 60-65% आ सकते हैं। सो 12th के मार्क्स बेस नहीं होते हैं, 12th के मार्क्स अच्छे थे इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अच्छे मार्क्स लाओगे, 12th के मार्क्स खराब थे इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खराब मार्क्स लाओगे। ओके,
अब बात करते हैं इसके बारे में, हमने डिस्कस कर लिया ओके, टाइम कितना लगेगा, एक्सपीरियंस कितना होगा, नॉलेज कितना हो चाहिए, बुद्धि एवरेज चलेगा बहुत है ठीक है, आराम से पास कर सकते हो। BCA के बारे में बात करते हैं, ये नॉर्मली दो टाइप दो जगह से होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से हो सकता है, अब इस साइड वाला हटा दे रहा हूँ ठीक है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से हो सकता है और एक प्राइवेट से करते हैं लोग ठीक है। प्राइवेट से करने का खर्चा लगभग 2 लाख के आसपास तक पड़ता है और गवर्नमेंट से करने के बाद लगभग खर्च कम पड़ता है, मतलब जितना बीकॉम में खर्च पड़ता है लगभग उसके आसपास तक ही खर्चा पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है ओके। बीकॉम के आसपास ही खर्चा 15-20-30 के अंदर आराम से हो जाएगा ठीक है, अब बहुत अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ ओके। और हाँ, जॉब की अगर गारंटी देखो तो इंस्टीट्यूट बोलता है आप जिस भी जगह से BCA करोगे आपको जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, 3 साल के बाद जॉब आपकी, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करोगे ना तो अगर उनके पास 100 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट को जॉब मिलता है, तो वो अलग बात है। BCA के बाद MCA करना पड़ जाता है, कुछ लोग नहीं करते हैं तो भी जॉब मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। BCOM के बाद भी आपको जॉब मिल सकता है, मतलब आप आराम से किसी भी ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो, इस लायक बन जाओगे कि आपको ऑफिशियल काम मिल जाए ओके। हाँ ऑफकोर्स कोई बहुत बड़ा मैनेजर नहीं बन जाओगे, टाइम लगेगा उसके लिए आपको, धीरे धीरे अचानक से मैनेजमेंट बड़ा पोस्ट नहीं मिल जाएगा, धीरे धीरे आपको हो सकता है ट्रेनिंग के साथ टाइम लगे, टाइम के साथ साथ आप धीरे धीरे इंप्रूव कर जाओगे ओके। ये हो गया BCA और BCOM के बारे में। ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ भी 3 साल का टाइम लगता है। खर्च के बारे में हमने बात कर लिया, 2 लाख और यहाँ के 15-20 हज़ार के आसपास तक, 10 हज़ार के अंदर ही हो जाता है ये कोर्स में अगर गवर्नमेंट से करते हो तो, प्राइवेट से करते हो तो खर्च ज़्यादा पड़ता है और यहाँ पे भी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, मतलब आप एवरेज भी बुद्धि वाले हो तो काम चल जाएगा ठीक है। मतलब प्राइवेट से करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोग फेल करें, थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि पैसा उठाया जा सके, बट स्टिल वो लोग पास कर देते हैं। एंड गवर्नमेंट से बात करें तो वहाँ पे भी वही, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता ही है कौन सा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है, तो आई थिंक आप जानते ही हो कि आराम से पास कर सकते हो या कि नहीं कर सकते हो। LLB के बारे में बात करें तो 12th क्लास के बाद अगर आप LLB करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 ईयर की LLB करनी पड़ेगी आपको, 5 साल की ही LLB होगी और इसके लिए क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे BCOM इतनी ही खर्च होगा, 10-15 हज़ार के आसपास जितना वहाँ खर्चता है उतना ही, हो सकता है 5-10 हज़ार ज़्यादा खर्च पड़ जाए, थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है मे बी क्योंकि ये 5 साल का है और यहाँ पे 10 सेमेस्टर होने वाले हैं ओके। LLB के अंदर 10 सेमेस्टर होने वाला है और प्राइवेट से करो चाहे जहाँ से करो, सेमेस्टर 10 लगने वाला है। ड्यूरेशन आपको पता चल गया, यहाँ पे 5 साल का है टाइम, 10 सेमेस्टर होने वाला है। एक्सपेंसेस आपको मैंने बता दिया, प्राइवेट से करने जाओगे तो 3 लाख के आसपास तक खर्चा पड़ेगा, 3-5 लाख तक का खर्चा पड़ जाता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 2 लाख में भी हो जाते हैं ओके। एंड गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करो तो खर्च बहुत कम होता है, मतलब 15-20-30 के अंदर आप आराम से कर सकते हो ओके, अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। एवरेज कॉलेज की बात करो तो और कम पड़ते हैं, 10 हज़ार के अंदर ही हो जाएगी ठीक है। नॉलेज के बारे में बात करें तो LLB के अंदर ऐसा नहीं है कि आप वकील बने जाते हो बहुत एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, बहुत तेज बुद्धि होना चाहिए, नथिंग, आप एवरेज स्टूडेंट हो, अच्छा से पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में मन लगता है, आप बाहर बाइक लेके घूमने की जगह घर में चुपचाप बैठ के कुछ देर टाइम बुक के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, यू कैन कम्प्लीट योर LLB, आप आराम से कम्प्लीट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लेबर नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बुद्धि नहीं। सबसे ज़्यादा जिसमें बुद्धि लगता है ना वो है MBA कोर्स, मतलब उनमें एक्चुअली बुद्धि लगता है, आप MBA मतलब किसी जगह से नहीं, अहमदाबाद वाले ओके। अब हमारा मेन टॉपिक जो आता है वो है CA CA CMA। नॉर्मली जो लोग 12th क्लास के बाद लोग सोचते हैं कि हम CA कर ले, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये सोच के कर रहे हो ना कि मेरे 12th में 80% आए हैं इसलिए हम CA करना चाहते हैं, या फिर मेरे 12th में 75% आए हम इसलिए CA करना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं, CMA करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत लो ऐसे, मतलब मार्क्स के बेसिस पे मत लो, आप अपने आप को एसेस करो कि आपके पास नॉलेज कितना है, क्योंकि ये वो कोर्सेज है ना, ये वो सर्टिफिकेट कोर्सेज है जहाँ आपके नॉलेज को चेक किया जाता है, ना कि आपके कितना, जो इन सभी जगहों पे बस किसी भी तरीके से आपको पास कर दिया जाएगा वो नहीं देखा जाता, यहाँ पे आपको नॉलेज एक्चुअल में आपके पास कितना बुद्धि है वो चेक किया जाता है इन कोर्सेज के अंदर, तो आप अपनी नॉलेज को एक्सेस करो कि आपके पास कितना बुद्धि है, कितना नॉलेज है ओके, उसके बाद जाके आप इन कोर्सेज में हाथ दो। अगर आप अकाउंट CA करना चाहते हो, इन वाले पॉइंट को मिटा दे रहा हूँ मैं ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा जगह लगने वाला है। एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि CA CA CMA में इनकी सेपरेट वीडियो आएगी, हर एक कोर्स के अंदर कितना खर्च पड़ेगा, कितना ट्यूशन फी, कितना इंस्टीट्यूट का फी, कितना एग्जाम फी, कितना टाइम का ट्रेनिंग है और कितना टाइम में एक CA बन जाओगे आप, ये भी बात करेंगे हम लोग ठीक है, CA में भी, CS में भी, CMA में भी ओके। ये तीनों कोर्स कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत पावरफुल कोर्सेज हैं, कॉमर्स के सबसे टॉप कोर्सेज के अंदर ये इनको माना जाता है ठीक है। हो सकता है आपने CMA या फिर CS का नाम नया सुना हो, बट जितना पावर आपको CA के अंदर मिल रहा है वही पावर आपको CS और CMA के अंदर भी मिलता है, बट थोड़े से
अलग अलग चीज होता है। लाइक सी ए के पास एक स्टैटूटरी ऑडिट करने का पावर होता है, ओके, सी एस के पास कंप्लायंस ऑडिट का पावर होता है, सॉरी ये सेक्रेटरी ऑडिट करता है, ये सीएमए के पास कॉस्ट ऑडिट का होता है, ठीक है। तो सबके पास अपना अपना ऑडिटिंग का पावर है और सभी का कीमत बहुत ज़्यादा है, सबका इज्जत अपने अपने बहुत बहुत है, ओके। अगर आप सीए करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे तीन लेयर होते हैं, फर्स्ट होता है सीपीटी, उसके बाद होता है आईपीसीसी, उसके बाद है सीए फाइनल, ओके। सीपीटी करना चाहते हो तो आप सीपीटी में रजिस्टर करोगे, आईसीएआई, इसका इंस्टीट्यूट का नाम है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो सीपीटी के अंदर। सीपीटी आप जब क्लियर कर जाओगे उसके बाद आप मूव करोगे आईपीसीसी में। आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईपीसीसी के दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको टू ग्रुप्स होते हैं। ये दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आप जाओगे फाइनल में, फाइनल में भी दो ग्रुप होते हैं, ये दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आप सीएस बन जाओगे, ओके। एक बात और, लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि सीपीटी करने में 9 मंथ का टाइम लगा, इसके अंदर भी 9 मंथ लगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 9 मंथ तक टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट टाइम, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है। सीए के एग्जाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे मई महीने में और नवंबर महीने में हर साल एग्जाम होते हैं, ओके। अगर आप जब भी अगर आप आज के डेट पर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो तो नवंबर का एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप मई का एग्जाम दे पाओगे, राइट। अगर आप अक्टूबर में या फिर जब भी अपने आप को रजिस्टर करोगे तो पहला अटेम्प्ट छोड़ के उसके बाद वाला आप एग्जाम दे सकते हो, ओके। यहाँ पे आपने ये क्लियर कर लिया, और प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर एक भी टर्म, मान लो एक एग्जाम दिया और एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ गए, मार्क्स कम आ गए मतलब एक भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे दो ग्रुप, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट हैं, एक भी सब्जेक्ट में अगर 40% से कम आ गया तो आपको ये पूरा ग्रुप में फेल कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है, ये ट्रेंड तीनों ग्रुप में है, सीए 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 में हर जगह पे है, एक भी जगह पे अगर आप फेल होते हो तो आपको पूरे के पूरे ग्रुप में फेल कर दिया जाएगा, ओके। अगर इनमें इस ग्रुप में आपने सभी में 40% से ज्यादा लाया है, लेकिन अगर इस ग्रुप का ओवरऑल 50% से कम है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। दो पास करने के दो ही सिस्टम है, आपको हर सब्जेक्ट में 40% से ज्यादा लाने हैं, और टोटल जो पूरा ग्रुप का, अगर 4 सब्जेक्ट है तो 400 मार्क्स एग्जाम, उसमें कम से कम आपको 200 मतलब 50% लाना ही पड़ेगा तभी आप पास होगे। 200 से कम हुआ तो आपको फेल, भले आपने 40 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फेल करके फिर से वो एग्जाम देने पड़ेंगे अगले महीने, अगले 6 मंथ बाद, ओके। ये हो गया प्रोसीजर। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में, आईपीसीसी के से अगर फाइनल में जाना है आपको तो आपको यहाँ पे 2 ईयर का ट्रेनिंग करना पड़ता है, उसके बाद आप फाइनल के एग्जाम देंगे, ओके। ये ट्रेनिंग करने के बाद ही आप फाइनल में जाते हो। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर। ड्यूरेशन कितना का होता है, देखो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे 5 ईयर लिखा है, ओवरऑल लिखा है, इसके अंदर मैंने 2 ईयर की ट्रेनिंग को कंसिडर किया है अपनी तरफ से। अगर ट्रेनिंग को हटा दोगे तो फिर आप बोलोगे भैया 3 साल का हो गया वो, तो ट्रेनिंग को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 ईयर, ओके। वैसे कुछ लोग का 3 साल के अंदर भी हो जाना चाहिए तो ये हटा ही देना चाहिए, आई थिंक बेटर होगा। अब वो आपके नॉलेज के ऊपर है, अगर आप बहुत अच्छा कर सकते हो तो एक बार में आप निकालते चले गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर टाइम, अगर एक भी टर्म एक्स्ट्रा लगा ना, मतलब एक बार भी फेल हो गया या फिर एक बार भी एग्जाम नहीं निकला तो आपको फिर 6 मंथ ऐड हो गया, फिर नहीं निकला तो फिर 6 मंथ ऐड हो गया, मतलब दो टर्म में अटक गया मतलब 1 साल बढ़ गया, ऐसे करके टाइम बढ़ते चले जाते हैं सीए के अंदर, समझे। सीएस करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको 3 लेयर क्लियर करने पड़ेंगे। पहला होता है फाउंडेशन, जिसको आप बोलते हैं जिसका नाम अब नहीं बोलते हैं बल्कि ये चेंज हो गया, इसके जगह पे आप सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट CSEET ये आ गया है, ठीक है, ये साल में 4 बार होगा अब, ओके। सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट ये साल में 4 बार होगा, और इसको क्लियर करने के बाद आप पहुंचोगे एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी 2 ग्रुप, ये आप जब दोनों ग्रुप क्लियर करोगे तब आप पहुंचोगे फाइनल में, प्रोफेशनल में बोलते हैं इसका, तब आप पहुंचोगे प्रोफेशनल में, ओके। यहाँ पे ट्रेनिंग का एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप प्रोफेशनल पढ़ने के साथ साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हो और एग्जाम भी देते रह सकते हो, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है और कुछ नहीं, ओके। यहाँ पे प्रोफेशनल में बट आपको मिलेंगे 3 ग्रुप, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मिलेंगे आपको 2 ग्रुप, ओके। अगर सीएमए के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 3 लेयर है, सिंपल, यहाँ पे पहले को बोलते हैं फाउंडेशन, दूसरे को बोलते हैं इंटर, और तीसरे वाले को बोलते हैं फाइनल, ठीक है। आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप इंटर में जाते हो, इंटर में भी 2 ग्रुप हैं, आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप फाइनल में जाओगे, फाइनल में जाने के बाद आपको क्लियर करने होंगे, आपको वहाँ पे भी 2 ग्रुप मिलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली आपको कॉस्ट से रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, कॉस्टिंग से रिलेटेड, यहाँ पे बेसिकली लॉ से रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, कंपनी लॉ हो गया, सिक्योरिटी लॉ हो गया, बहुत सारे लॉ आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे जितने भी लॉ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है ना, लगभग बहुत कुछ सारे फेमस लॉ पढ़ने होंगे आपको यहाँ पे। सीए के अंदर आपको अकाउंट्स से रिलेटेड जानकारी लेनी होगी, अकाउंट्स अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ जा सकते हो, अकाउंट्स अच्छा नहीं है, कंप्लायंस मेरे को बहुत पसंद आता है, लॉ से रिलेटेड मेरे को नॉलेज चाहिए, कंपनी में होता क्या है, कौन सी कैसे होता है, बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग कैसे होते हैं, ये सेक्शन वगैरह क्या है, वो सब जानना है तो आप यहाँ जा सकते हो। सीएमए के अंदर जाना है तो आपको कॉस्टिंग के अंदर बहुत नॉलेज है, लाइक कॉस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक एक यूनिट का खर्चा निकालना, किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल, जो कि आपने 12 में भी शायद पढ़े होंगे, आपको पता होगा मटेरियल कॉस्टिंग था, लेबर कॉस्टिंग था, ओवरहेड कॉस्ट ओवरहेड था, तो ये सारे कुछ कॉस्टिंग के आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह, तो ये कॉस्टिंग के अंदर आता है। अगर आपको कॉस्टिंग पसंद है तो आप सीएमए में ले सकते हो, कंप्लायंस पसंद हो सीएस ले सकते हो, सीए करना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स पसंद होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे, अकाउंट्स के साथ साथ यहाँ पे भी सीएस के कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे भी कंप्लायंस के पढ़ने होंगे, यहाँ पे भी कॉस्टिंग पढ़ने होंगे। अगर आप सीएस करते हो तो यहाँ पे भी आपके अकाउंट्स आएंगे ही, यहाँ पे भी कॉस्टिंग आएगा। अगर आप सीएमए करते हो तो भी यहाँ पे कंप्लायंस भी आएगा, मतलब कंपनी लॉ वगैरह भी आएंगे, और इसके साथ अकाउंट्स भी आएगा। तो तीनों कोर्सेज में आपको टॉपिक कुछ ऊपर नीचे मिलेंगे, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ओके। सो ये चीज था हमारा सीए सीएस सीएमए के बारे में। अब इसके ड्यूरेशन के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि 3 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद आप सीएस बन जाओगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट बहुत टाइम लग चुका है, छोड़ नहीं बोलता, बहुत टाइम लग चुका है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक एक कटा में क्लियर करते हुए बहुत आगे बढ़ चुका है, मतलब एक बार में उनका क्लियर हो गया। खर्चा के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट का जो खर्चा है वो सीपीटी फर्स्ट लेवल को, चाहे इसी इन तीनों का फर्स्ट लेवल का अगर बात किया जाए, इसका इंस्टीट्यूट का नाम है ICSI, ICAI, इसका ICSI है, ओके। तो खर्चा के बारे में बात करें तो सीपीटी का अगर खर्च बात अगर बोलते हो तो यहाँ पे भी लगभग 10,000 से कम का खर्चा होता है, अप टू 10,000, उससे कम ही खर्चा होगा, ओके, 8,000-7,000 जो भी खर्च पड़े। फाउंडेशन के बारे में बात करें तो अप टू 10,000, यहाँ पे भी 10,000 से कम आप खर्चा मान के चलो, 8,000-7,000-6,000 ऐसे करके रजिस्ट्रेशन फीस है, ये इंस्टीट्यूट का खर्चा है, ट्यूशन फी के बारे में बात नहीं कर रहा, ओके। IPCC के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको लगभग 20,000 के आसपास, 15,000-20,000 के आसपास पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव में भी 15,000-20,000 के आसपास तक खर्चा पड़ेगा, 15,000 के आसपास आई थिंक हो गया, फाइनल के अंदर भी 15,000-20,000 के आसपास तक खर्चा पड़ेगा, ओके, एक एवरेज बता रहा हूँ, एक्यूरेट कितना है अगले वीडियो में, ओके, एक्यूरेट का बात कर रहा हूँ वो अगले वीडियो में, आज नहीं। फाइनल में भी आपको सेम 20,000 के आसपास यहाँ पे भी खर्चा पड़ जाने वाला है, प्रोफेशनल में भी आपको 15 से 15 नहीं पड़ेगा, 10 से 12 के आसपास, 10 से 15 के आसपास तक खर्चा पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी लगभग 10 से 15 या फिर 20 के आसपास तक खर्चा पड़ जाएगा, ओके। ये तो था सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का खर्चा, सिर्फ पढ़ाई का, आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद एग्जाम फीस नहीं भी काउंट कराऊँ, हर एक मॉडल का एग्जाम फीस होता है 2,000 के आसपास तक, 1,200 से 2,000 के आसपास तक खर्च पड़ता है। अब जितना बार एग्जाम दोगे उतना अलग खर्च पड़ेगा, वो सब कुछ उस वीडियो में बात करेंगे, ओके। तो आप एग्जाम फीस देख लो, 2,000 के जो भी आपका खर्चा पड़ रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर भी खर्चा पड़ता है, अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो ट्रेनिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे 15,000-20,000 के आसपास तक या फिर कभी कुछ 35,000 के आसपास तक का खर्चा पड़ता है। सीए में भी, सीएस में भी सेम खर्चा पड़ने वाला है, सीएमए में भी सेम खर्चा पड़ने वाला है, तो आपको ट्रेनिंग को भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग भी एडुकेशन का ही पार्ट है, ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि एडुकेशन का पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल एडुकेशन का पार्ट है, और बिना ट्रेनिंग के आप वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ओके। सो ये सब कुछ इस चीज़ के बारे में था, और इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को 1 घंटा करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले कि आप इस वीडियो को पॉज करें, आप इस वीडियो को सबसे पहले सबके साथ शेयर कर देना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया इसके बारे में क्या, और कुछ डिटेल मांग सकते हो, मैं बता दूंगा, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।